अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि उनकी दवा कोरोनिल के बारे में जो भी भ्रम था, भ्रांतियां थी, वो दूर कर दी गई हैं और अब बिना किसी बाधा के इसे बाजार में उतारा जाएगा क्योंकि लोगों को इस दवा का इंतजार है। उन्होंने कहा कि इसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा का और अन्य आयुर्वेदिक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में मिश्रण है और ये लोगों के लिए फायदे वाली चीज है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दो गज की दूरी ही कोरोना की दवा है तो हमारी दवा तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने कहा कि हमारी रिसर्च से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी चूल्हे हिल गई और हमारा जो अध्ययन था उससे वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने तंज भी किया कि क्या रिसर्च और इस तरह का जो अध्ययन होता है दवाइयों का वो सिर्फ कोट और टाई पहनने वाले ही लोग कर सकते हैं। देखना होगा कि अब ये जो बाजार में दवा आती है उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। उधर अगर हम बात करें गोल्डन बाबा की तो गोल्डन बाबा अपने जब खासतौर पे जब भी कोई बड़ा मेला लगता था उस दौरान अपने आभूषणों से वो चकाचौंध किए रहते थे अपने चारों तरफ। उनका निधन हो गया है। मंगलवार देर रात उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसके बारे में आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे इस बार मुंबई में खासतौर पर महाराष्ट्र में अगर देखें तो गणपति उत्सव बुरी धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। मुंबई में खासतौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की थी गणेश मंडलों से, तो गणेश मंडलों ने यह अपील उनकी मान ली है। इसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि देश में कोरोना का कहर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। 5,85,000 से ज्यादा संख्या हो चुकी है कुल संक्रमितों की। राज्यवार आपको आंकड़ा बताएंगे कि जिन जिन राज्यों में पिछले 24 घंटों में कितनी मौतें हुई हैं। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले गोल्डन बाबा की। गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर सुधीर कुमार मक्कड़ का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को एम्स में निधन हो गया। मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले मक्कड़ उर्फ गोल्डन बाबा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह हरिद्वार के कई अखाड़ों से जुड़े थे। इससे पहले वह दिल्ली में गारमेंट्स का कारोबार करते थे। बताया जाता है कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला लिया था। सोने को अपना ईस्ट मानने वाले गोल्डन बाबा हमेशा सोने के आभूषणों से लदे रहते थे। साल 1972 से ही उनका यही रूप देखा जाता रहा है। गोल्डन बाबा हमेशा अपनी दसों उंगलियों में अंगूठी के अलावा बाजूबंद और लॉकेट भी पहने रहते थे। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने 25-30 बॉडीगार्ड भी लगा रखे थे। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में रहने वाले मक्कड़ काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। मंगलवार देर रात उन्होंने एम्स में ही अंतिम सांस ली। गोल्डन बाबा के खिलाफ पूर्वी दिल्ली में अपहरण, फिरौती, जबरन वसूली, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराधों में तमाम मुकदमे दर्ज हैं। सन्यासी बनने से पहले गोल्डन बाबा गारमेंट्स के कारोबार में थे। गांधीनगर के अशोक गली में उन्होंने अपना छोटा सा आश्रम भी बनाया था। इसके अलावा हरिद्वार के कई अखाड़ों से भी उनके नाम जुड़ा है। कहा जाता है कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अध्यात्म की शरण में आए थे। उधर कोरोना वायरस महामारी का असर इस साल गणपति उत्सव पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के सबसे मशहूर गणपति मंडलों में शुमार लालबाग इस बार गणपति विसर्जन का उत्सव नहीं मनाएगा। लालबाग गणपति मंडल ने कोरोना वायरस के खतरे के चलते यह फैसला किया है। दरअसल पूरे देश में मुंबई सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में है। इसी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी मंडलों को आदेश दिया था कि इस साल गणपति उत्सव हर साल की तरह नहीं मनाया जाए क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि गणपति की मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट तक ही रखी जाए। सरकार के इस निर्णय के बाद बाकी गणपति मंडलों ने 2 मूर्तियां बनाने का फैसला किया है। एक बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी और एक छोटी। पूजा सिर्फ छोटी मूर्ति की ही की जाएगी लेकिन लालबाग राजा मंडल की एक ही मूर्ति है, यहाँ छोटी मूर्ति नहीं है, इसलिए पूजा भी बड़ी मूर्ति की ही की जाएगी। लालबाग मंडल के अधिकारियों ने कहा है कि गणपति की लंबाई कम नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर छोटी मूर्ति भी लाई जाती है तो उसके लिए भी बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे। ऐसे में लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस साल ना तो कोई मूर्ति होगी ना ही मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। लालबाग गणपति मंडल ने लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए न सिर्फ मूर्ति विसर्जन रोक दिया है बल्कि दूसरी तरफ यह भी फैसला किया है कि इस दौरान कोरोना प्रभावित लोगों के लिए काम किया जाएगा। लालबाग मंडल इस बार गणपति उत्सव को आरोग्य उत्सव के तौर पर मनाएगा। इसके तहत प्लाज्मा थेरेपी को प्रमुखता दी जाएगी, साथ ही कोरोना से मौत के मुंह में समाये पुलिसकर्मियों के परिवारों की मदद की जाएगी।
उधर भारत में बुधवार को कोविड 19 से एक दिन में रिकॉर्ड 507 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 17,400 हो गई। वहीं संक्रमण के 18,653 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 585,493 पर पहुंच गई। भारत में लगातार पांचवें दिन कोविड 19 के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 1 जून से अभी तक 394,958 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब 220,114 लोगों का इलाज चल रहा है और 347,978 लोग ठीक हो चुके हैं। अधिकारी ने कहा, मरीजों के ठीक होने की दर 59.43% है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में जिन 507 लोगों की जान गई है उनमें से सबसे अधिक 245 मामले महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद दिल्ली में 62, तमिलनाडु में 60, उत्तर प्रदेश में 25, कर्नाटक में 20, गुजरात के 19, पश्चिम बंगाल में 15, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में 8-8 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में 7-7, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में 6-6, बिहार में 5, हरियाणा में 4, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी तथा उत्तराखंड में 2-2 और असम तथा हिमाचल प्रदेश में 1-1 व्यक्ति की संक्रमण से मौत हुई है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कल यानी के गुरुवार को उनके मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और वैसे इस विस्तार को बताया जा रहा है कि पहले मंगलवार को ही होना था, लेकिन किसको मंत्री बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए इसको लेकर बड़ी उधेड़बुन है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली भी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, अमित शाह गृहमंत्री से मिले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, बीजेपी की जो संगठन महासचिव है बीएल संतोष उनसे मिले, राज्य स्तर पर भी जो लोगों से सलाह मशविरा का दौर जारी है। अब दिक्कत यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 16 पूर्व विधायकों और 6 पूर्व मंत्रियों के साथ आए हैं, तो वो भी चाह रहे हैं कि उनके लोग मंत्री बने। जो बीजेपी में पहले से ही बरसों से काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि सरकार अब अपनी बनी है तो हमारे को भी मंत्री पद मिलना चाहिए। तो अब बड़ा कठिन हो रहा है सामंजस्य बिठा पाना कि कितने मंत्री बनाए जाए, मंत्री कितने बनेंगे ये तो निश्चित संख्या है। अब आज आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं उनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार मिला है। आज वो पहुंच रही हैं शाम को भोपाल और वहां पर वो राज्यपाल का जो अतिरिक्त कार्यभार है वहां पर संभालेंगी। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है लालजी टंडन उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो लखनऊ के अस्पताल में भर्ती है। अब कल सुबह विस्तार होगा लेकिन उससे पहले उठापटक चल रही है मुख्यमंत्री के लिए कितनी सिरदर्दी है ये बात शिवराज सिंह चौहान के आज के एक बयान से स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने उस बयान में कहा है कि शिव तो विष पी ही जाते हैं। देखना होगा कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो अब उपचुनाव भी है कई सीटों पर, तो वो कितना स्थायी रह पाती है शिवराज सिंह चौहान की सरकार और क्या सिंधिया उनको उनके लोगों को जितने मंत्री पद मिलते हैं उससे वो संतुष्ट होते हैं।